हेलो क्रिकेटिंग वर्ल्ड, वेलकम बैक टू कौस्तुभ पवार क्रिकेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप थ्री बैक स्पिन ड्रिल्स फॉर फास्ट बॉलर्स। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको स्विंग बॉलिंग करना है तो उसके लिए आपका रिस्ट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बैक स्पिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैक स्पिन मतलब क्या? जब आपका बॉल आपसे हाथ से जब छूटता है तो वो टाइम में बैक स्पिन होता है। जब बॉल पीछे साइड आता है उसे बैक स्पिन बोलते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है? तो पहला ड्रिल है उसके लिए बॉल फ्लिप। ओके, तो बॉल फ्लिप के लिए आपको क्या करना है? जो आपकी प्रॉपर ग्रिप है वो पकड़ के आपको बॉल फ्लिप करना है। इसमें क्या होता है, जो आपका रिस्ट है वो ऐसा रहेगा। ओके, देखिए साइड व्यू आपको दिखा तो एक बार, ये जो रिस्ट पोजिशन है मेरा, ओके, यहाँ से ये ऊपर आ रहा है, यहाँ पर लॉक हो जाता है। देखो आप सेम पोजीशन देख सकते हैं, फ्रंट व्यू, ये सेम पोजीशन के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने पड़ेगी। आपको लगता रहेगा कि वीडियो देख के कि ये ईजी रहेगा, पर ये इतना ईजी नहीं है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेगी। मेरे एकेडमी के बच्चों को मैं ये ड्रिल्स बताता हूँ तो उन्हें डिफ़िकल्ट पड़ती है क्योंकि उन्हें ये प्रैक्टिस नहीं है। फास्ट बॉलिंग में नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे बॉलर जब रिलीज करते हैं उनका रिस्ट पोजिशन कॉक रिस्ट नहीं रहता है, ये पोजिशन नहीं रहता है, उनका रिस्ट आगे रहता है या ड्रॉप हो जाता है या फिर वो लोग ऐसा कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, उन्हें बैक स्पिन नहीं मिलता, उनका सेम पोजिशन वॉबल हो जाता है और उन्हें जो स्विंग चाहिए वो स्विंग नहीं मिलता। आप देख सकते हो जो बड़े बड़े बॉलर्स है इवन ओल्ड बॉल स्विंग करते हैं और जो नॉर्मल बॉलर्स होते हैं उनके सेम पोजिशन राइट न होने से उनका बॉल इतना स्विंग नहीं होता जितना होना चाहिए। तो इसलिए ये बैक स्पिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला ड्रिल है बॉल फ्लिप जो हम कर रहे हैं, ये करते रहिए। और आपने बहुत सारे बॉलर्स को देखा रहेगा मैच में, वो लोग बॉल फ्लिप करते रहते हैं बिफोर बॉलिंग द बॉल। सेकेंड ड्रिल है बैक स्पिन टूवर्ड्स बॉल, तो आप इसे वॉल ड्रिल कह सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप नी पे बैठ जाइए और आपको ये पोजीशन करना है, आपका हाथ 90 डिग्री में होना चाहिए राइट एंगल और आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे सपोर्ट देना है, क्योंकि क्या होता है जब आप थ्रो कर रहे हैं तो आपका हाथ नीचे जाता है। ओके, हमें सिर्फ रिस्ट पे ध्यान देना है, रिस्ट और एल्बो आपको एक्सटेंड करना है लाइक दिस। ओके, तो आपको चाहिए तो मैं ये व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा हाथ देख के हिल, ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, रिस्ट कॉक, रिस्ट बेंड नहीं करना है आपको। आप देख सकते हो जब आप बॉल डालते हो वो टाइम में बॉल बैक स्पिन होता है कि नहीं देखना है। अगर बैक स्पिन होता है और सीम का प्रेजेंटेशन सीधा है तो आप बराबर कर रहे हो। अगर कुछ भी गलत हो रहा है आप देखिए कि आप क्या गलत कर रहे हो, आपका रिस्ट पोजीशन गलत है या ग्रिप गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बैक स्पिन के लिए। अगर आपका बैक स्पिन अच्छा होता है आप बहुत अच्छे स्विंग बॉलर बनते हो और ऊपर के लेवल खेलने के लिए रेडी हो जाते हो। एंड थर्ड एंड लास्ट ड्रिल इज यू कैन से स्लिपिंग ड्रिल और स्लिपिंग बैक स्पिन ड्रिल। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे लेटना है लाइक दिस। अगर आपने ये पोजीशन लिया तो कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगा इंस्टेड ऑफ दोनों पैर सीधा रखने से। अगर छोटा घर रहेगा तो यही सबसे बेस्ट है मुझे लगता है। और ट्राई कीजिए सॉफ्ट बॉल से पहले करने, क्योंकि ये आप लेटे रहते हो तो आपको बॉल लगने का चांसेस भी ज़्यादा है अगर आपका ध्यान ना रहे। तो आपको क्या करना है, रिस्ट कॉक करना है एंड देन अगेन बैक स्पिन। यू हैव टू पुश फॉरवर्ड लाइक दिस बट यू हैव टू बैक स्पिन। Push your wrist forward like this and backspin. आप देख सकते हो बॉल का सीम पीछे आ रहा है। तो अगर आप गलत करोगे तो चांसेस है बॉल आगे पीछे जाने का। अगर आपका रिस्ट ड्रॉप होता है तो आप देख सकते हो बॉल आगे आ गया।
तो रिस्ट, जब रिस्ट ड्रॉप होता है तो आगे जाएगा, और ज़्यादा पीछे हाथ गया तो पीछे जाएगा। तो आपको आगे बराबर जो आपका पोजीशन है वहाँ से ही आपको पुश करना है। ट्राई कीजिए आपका सेम पोजीशन सीधा रहे। देखो थोड़ा भी गलत हो गया तो आगे पीछे होगा। एक बार आप सॉफ्ट बॉल से अच्छे से करने लगो तो आप सीजन बॉल से ट्राई कर सकते हो, पर ट्राई करना जब तक आपका बैक स्पिन अच्छा नहीं होता तब तक नहीं करना, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। अगर इधर उधर लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगेन बैक स्पिन, आप सेम पोजीशन देख सकते हो। वाओ, जब बैक स्पिन ऐसा होता है तो फास्ट बॉलर्स को बहुत मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है जब मैं बॉलिंग करता हूँ। आप खुद एंजॉय करोगे अपनी बॉलिंग। कीप प्रैक्टिसिंग, ट्राई करो। मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा हार्ड पुश करूँगा। ये आप देख सकते हो, थोड़ा बीच बीच में वॉबल होता है अगर मैं अच्छे से नहीं करूँगा। ये देखो वॉबल हो गया, ये देखो सेम पोजिशन। ओके, तो आपको ये तीन ड्रिल्स करनी है जो आपके बैक स्पिन के लिए बहुत हेल्प करेगा, और आप अच्छे से स्विंग कर पाओगे इवन विद द ओल्ड बॉल, क्योंकि जो भी अच्छे बॉलर्स हैं ओल्ड बॉल से भी विकेट निकालना जानते हैं। तो अगर आप बैक स्पिन करते हो तो आपका बॉल स्विंग होगा और आप विकेट निकाल सकते हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा, और क्या कौन से वीडियोस आपको देखना है वो कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।